अशोकनगर की पंचायत ईसागढ़ खिरिया देवत में हरिराम जाटव ने बताया कि उसके घर के सामने कोई सीसी निर्माण कार्य नहीं होने से एवं शासकीय नलकूप खनन होने से बहुत सारी कीचड़ जमा हो रहा है, जिसके कारण मच्छर आदि रहते हैं, जिसके चलते बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है और आसपास के ग्रामीणों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम के सरपंच गोपाल हरि गोस्वामी और सेक्रेटरी दोनों को ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई, लेकिन उनके द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया एवं अनेकों कार्यों की राशि पंचायत द्वारा निकाली गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। स्कूल के पीछे जो हैंडपम्प है वहाँ पे पूरी गंदगी है, कूड़े पड़े हुए हैं, उसकी कोई सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, बच्चे में तबीयत खराब होती है। हाँ। वो बीमार होते हैं। और सरपंच साहब को बोला इस चीज के लिए? सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब ने देखा भी। हाँ। उसको बोला गया कि कुछ दिन रुको, कुछ ठीक करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइएगा मेरे को, तुम्हारे यहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा है अभी? अभी वो चल रहा है, इधर पठार पे गौशाला वाला नीम खुद रही है क्या? अच्छा, और कहीं भी चल रहा है? और कहीं के मजदूर वाला मजदूरी वाला कोई काम चल रहा है? मजदूर वाला कुछ नहीं चल रहा है।